आगे चले जाओ भाई साहब, भाई थोड़ा सा आगे। मैडम सेल्फी ले लेना मैडम, शर्म करो शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो शर्म करो शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो शर्म करो, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो बंद करो बंद करो केजरीवाल, शर्म करो शर्म करो, बंद करो बंद करो बंद करो केजरीवाल, शर्म करो शर्म करो, बिना कैमरे के कैमरा की तरफ। मैम एक बार कैमरे की तरफ दिखा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शर्म करो शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो शराब की दुकानें बंद करो बंद करो बंद करो। तो मुख्यमंत्री को जनता की आवाज सुननी चाहिए, तो फिर उसके जो ऊपर की अथॉरिटी है वो राष्ट्रपति है, तो हम राष्ट्रपति जी तक ये ज्ञापन देंगे। कैंपेन चल रही है दिल्ली सरकार की, केजरीवाल जी की शराब की नीति के खिलाफ। पंजाब में जाके कहते हैं कि वो नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे और दिल्ली में नशा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट हाथों के अंदर नशे की दुकानें बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक शराब की बात है, शराब तो दिल्ली में पहले भी बिक्री थी और दुकानों की कोई कमी नहीं थी। राशन की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ी, राशन के जो राशन कार्ड है उनकी संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन शराब बेचने की संख्या बढ़ गई है। और उसके बढ़ाने के पीछे जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सरकार के खजाने में टैक्सेशन का पैसा जाना था वो नहीं जाकर कुछ प्राइवेट हाथों में वो पैसा जा रहा है। और साथ ही जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है नियम कानून का उल्लंघन करते हुए। कई जगहों पर नियम है कि एक शराब की दुकान जहाँ पर है उसके कुछ डिस्टेंस के बीच में दूसरी शराब की दुकान नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने दो दो शराब की दुकानों को ज्वाइंट कर कर के उन नीति का लाभ उठाते हुए और इस तरीके की हरकतें की हैं, जिससे महिलाएं खास तौर पर जिनके जिनको रोज़ वहाँ से आना जाना होता है, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सुरक्षा और इन तमाम गतिविधियों से परेशान है। और साथ ही लोग जो कि अपने परिवार को नशे से मुक्त रखना चाहते हैं, युवाओं के बीच शराब की लत ना पड़े हर माँ बाप का कंसर्न रहता है, और ऐसे तमाम पति जो शराब पीकर घर परिवार की मकान दुकान बेच देते हैं और घर परिवार को सड़क पे ले आते हैं, उससे परिवार टूट जाता है। तो ये तो समाज की बुराई है। अब कुछ लोग पीते हैं ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? और ख़ास तौर पे नीतिगत मामले में नीति बनाकर उनकी संख्या बढ़ाकर प्राइवेट लोगों के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो सरकार को इससे मुनाफा होता था टैक्स के माध्यम से, वो अब मुनाफा कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा, और उनसे इनका क्या लेना देना है ये उस संपर्क के बारे में ब्यौरा दें। कोई बात नहीं, आज के लिए बहुत बढ़िया सर जी। फोटो 22 12 ना 12 तुम लोग चले जाना। अच्छा, ये आखिरी वक्त है केजरीवाल जी। शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, बंद करो दारू का दलाली, बंद करो बंद करो बंद करो दारू का दलाल केजरीवाल, दारू का दलाल केजरीवाल, दारू का दलाल केजरीवाल, दारू का दलाल केजरीवाल, दारू का दलाल वापस लो वापस लो, शराब की नीति वापस लो वापस लो वापस लो, शराब की नीति वापस लो वापस लो वापस लो। शराब की जो दुकानें इधर उधर है,
दूरी है तो उनके इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी और लोगों को सहूलियत होगी। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली को शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है या दिल्ली के अंदर पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है? दिल्ली के अंदर अभियान चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आज? शराब नीति के देखिए, दिल्ली में जो शराब की नई पॉलिसी आई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत है और दिल्ली में नई 850 दुकानें ठेके खोलकर दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के लोगों को शराब के नशे में झोंकना, ये दिल्ली सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन है और हमने महात्मा गांधी जी की समाधि से आंदोलन की शुरुआत की है। आज से पूरी दिल्ली में हमारा हर मोर्चा, आज कनॉट प्लेस में महिला मोर्चा के द्वारा ये हस्ताक्षर अभियान पूरी दिल्ली के अंदर चलेगा और हम 15 लाख से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर करा के महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली की ये निकम्मी सरकार है, बहरी सरकार है, जो शराब की नई पॉलिसी में हर गली मोहल्ले पर, नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खोलना चाहती, आप तुरंत इस अध्यादेश जारी करें कि ये कानून वापस लिया जाए जो दिल्ली के हित में नहीं है, दिल्ली के महिलाओं और परिवारों के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, इसलिए आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। सर, जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा उसमें क्या लिखा? देखिए, उसमें साफ बात है कि जिस तरह दिल्ली के अंदर जो माहौल है, यहाँ पर 250 के आसपास पहले दुकानें थी, तो आखिर कौन सी ज़रूरत पड़ी है कि दिल्ली में आप शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें? दिल्ली में ज़रूरत है पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, दिल्ली में ज़रूरत है सीवर लाइन के सही सिस्टम की, दिल्ली में ज़रूरत है यमुना के प्रदूषण को कम करने की, दिल्ली में ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, दिल्ली में ज़रूरत है स्कूल की व्यवस्था सही करने की और स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने की, ना कि शराब की आप डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था को सही करें। तो दिल्ली की जनता इस नीति से बहुत परेशान है और बहुत आक्रोश है। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं जो हैं वो इस नीति के बाद सुरक्षित नहीं होंगी, ऐसी नीति को वापस ही लेना पड़ेगा केजरीवाल जी।